भैयान क्या कर रहे हो? आज लास्ट सहरी है वो बना रहा हूँ। सहरी में क्या क्या बना रहे हो अभी? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सहरी है, तो आज मैं समझ रहा हूँ कि आज अच्छे से सहरी करना चाहिए, क्योंकि लास्ट सहरी है, अलविदा रमजान है। तो आज कोशिश करूंगा कि आलू है और प्याज है और बंद गोभी है, टमाटर है, टमाटर आलू में डालूंगा और प्याज और बंद गोभी अलग से बनाऊंगा और पराठे बनाऊंगा और चाय बनाऊंगा, क्योंकि आज तीन हम हैं, एक हमारा भेनोई है और वो भी यहाँ पे आज सहरी करेगा, क्योंकि अभी तो अपने घर पे है, क्योंकि आप ही बड़ी मेरी गांव पे गई हुई है अम्मी के पास और मेरा भेनोई इधर है, तो वो भी सहरी इधर आके करेगा हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं, तो अभी सहरी का ही टाइम है, तो कुछ बनाना है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी स्टार्ट किया जाए ताकि जल्दी सहरी बन जाए टाइम से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबू निज़ाम। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें बनानी है सहरी 4 लोगों की, दो मैं और मज़र, एक ज़ुबैर, एक मेरा जीजू है, मतलब मेरा भेनोई है, क्योंकि मेरी आप ही बड़ी गाँव गई हुई है और वो इधर हाला घर पे हैं, तो वो भी सहरी इधर ही करने आएगा हमारे साथ। तो 4 बंदों की मुझे सहरी बनानी है, तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। प्याज और बंद गोभी बनाते हैं और बना के फिर आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। A few moments later. तो यार फाइनली हमने बंद गोभी और प्याज बना दी है, ये बहुत टेस्टी बनता है, सिर्फ इसमें प्याज और बंद गोभी ऐड करनी है बस, और कुछ भी नहीं, और जो घर के मसाले होते हैं वो ही डालने हैं, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमने तैयार कर दिया, अब बनाएंगे आलू और टमाटर, तो वो भी आपके साथ शेयर करते जाए। आलू भी हमने बना लिए हैं और उसके बाद हम बनाएंगे टमाटर की चटनी थोड़ी सी, ये वो भी टेस्टी होती है पराठे के साथ। तो ये आलू तैयार है हमारे, अब टमाटर बना रहे हैं, तो फाइनल लुक दिखाते हैं कि टमाटर की चटनी कैसे होती है। तो व्यूअर्स, सहरी हमने फाइनल कर दी और सबने सुकून से खाया और सहरी बहुत सबको अच्छी लगी। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और लास्ट रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो, लास्ट सहरी सबको मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक हो सबको, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, ज़ुबैर की तरफ से, मज़र की तरफ से, सबको एडवांस ईद मुबारक। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाबू निज़ाम व्लॉग को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो।